सहरसा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता। बता दूं कि तमाम जगहों पर देश दुनिया में जिस तरह से लगातार जो है पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही थी, ऐसे में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार द्वारा आज जो जिस तरह से कल से एक आया है कि खबर, जिस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजल के जो दाम है उसमें कमी की जाएगी, ऐसे में लगातार देख सकते हैं सिलवासा में जो लोग हैं पेट्रोल पंप पे इस तरह से लगातार पेट्रोल भराने के लिए और डीजल भरवाने के लिए जो है लाइन जो है लंबी कतारें तो लग रही है। ऐसे में सबसे पहले मैं बता दूं, इस वक्त सिलवासा के पटेल पेट्रोल पंप पे हूँ, जहाँ पर खुले बड़े बोर्ड्स पे डिस्प्ले किया जा रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है पेट्रोल की कीमत जो है वो किस तरह से आज के दर पे जो भी है, जो चीज़ें चल रही है वो किस तरह से कितने रुपये बैरल लीटर जो है वो चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार द्वारा जब ये चीजें की गई है तो लोगों में कहीं ना कहीं खुशी की लहर जो है वो देखने को मिल रही है। ऐसे में आइए चलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं और इन दरों में कमी आने पर उन सबके मन में किस तरह का एक अलग ही प्रशंसा चल रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, वो भी जानने की कोशिश करते हैं। आज जो ये चीजें कम हो गई है, फ्यूल के रेटों में जो कमी देखने को मिल रही है, केंद्र सरकार के इस फैसले के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि दादरा नगर हवेली हमारे प्रदेश की बात करें तो डीजल में 7 रुपये और पेट्रोल में 8 रुपये की जो कमी देखने को मिल रहा है इस पेट्रोल पंप पर, क्या कहेंगे? मैं बहुत बहुत धन्यभागी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा भारत सरकार का कि उन्होंने आम जनता की तकलीफ को समझते हुए आज ये पेट्रोल का रेट कम किया। हर पूरी हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में अगर देखने जाते हैं तो ऑल ओवर पेट्रोल का रेट जो है हिंदुस्तान में सबसे कम है। हमारे आसपास का जो प्रदेश के जो देश है वहाँ पर बहुत पेट्रोल का ज़्यादा रेट है, और इस स्थिति में भारत सरकार जो आम जनता के लिए जो कदम उठाया है, फैसला लिया है, बहुत ही सराहनीय है और जितना भी धन्यवाद करें इतना कम है। अभी आपने पेट्रोल भरा है, किस तरह केंद्र सरकार द्वारा जो अभी दादरा नगर हवेली में जो देखने को मिल रहा है उसमें 7 रुपया पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम में और पेट्रोल में 8 रुपये की कमी जो आई है, उसके लेकर किस तरह से केंद्र सरकार के इस फैसले का क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे देखा जाए तो ये तो बहुत ज़रूरी ही था पेट्रोल के दाम कम होना, क्योंकि जैसे ही पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं सारी चीज़ों पे उसका इफेक्ट होता है जी। तो केंद्र सरकार ने जो ये डिसीजन लिया है पेट्रोल का थोड़ा सा रेट कम करने का, तो ये काफ़ी अच्छा डिसीजन है, शायद इससे बाकी की चीज़ों पे भी फर्क पड़ सकता है, मतलब राहत जो है वो देखने को मिल रही है। हाँ जी। यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर भी आप कहना चाहेंगे, क्योंकि मंदी जो है उस पर ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उस पर डिपेंड हो रहा था और जो कहीं ना कहीं जो फ्यूल हैं वो उस तरफ से ही आ रहे हैं। हाँ, शायद ऐसे उसका इफेक्ट भी हो सकता है, पर एग्जैक्टली तो मैं बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि इंटरनेशनल चीज़ों में इतना जी। मतलब केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करता है। बिल्कुल बिल्कुल। पेट्रोल के और डीजल के दामों में कमी देखी जा रही है, किस तरह से केंद्र सरकार के फैसले के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखा जाए तो केंद्र सरकार का मैं आभारी हूँ, मैं भी एक नागरिक हूँ, उस हिसाब से मैं भी केंद्र सरकार का आभारी हूँ। देखा जाए तो पूरे विश्व में पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे भारत में सरकार, हमारी जो केंद्र सरकार है वो पेट्रोल का दाम घटा रही है। तो मैं तहे दिल से अपने केंद्र सरकार का तहे दिल से आभारी मानता हूँ। खुश हैं काफी? आप काफी खुश? केंद्र सरकार द्वारा जो फ्यूल के दाम जो है वो कम हुए हैं, डीजल के दामों में अगर देखा जाए तो 7 रुपया और पेट्रोल के दामों में 8 रुपये की जो चीज़ें हमारे प्रदेश में देखने को मिल रही है, केंद्र सरकार के इस फैसले की किस तरह से आप स्वागत करना चाहेंगी? बहुत सही फैसला किया है केंद्र सरकार ने। ये जो आज केंद्र सरकार द्वारा चीज़ें देखने को मिली है, पेट्रोल और डीजल के दामों में कहीं ना कहीं कम हुआ है, ये चीज़ें सस्ती हुई, तो क्या कहना चाहेंगे? अभी पता चला है कि 7 रुपया पेट्रोल पे कम हुआ है और 8 रुपया डीजल पे कम हुआ है। अभी देखते हैं, अभी बिल लेंगे, पेट्रोल भराते हैं 1000 रुपये का, तब कितना डिफरेंस होता है देख लेते हैं। कैसा पहल है केंद्र सरकार का, क्योंकि मंदी जो है वो पूरे देश दुनिया में चल रही है, ऐसे में भारत सरकार के फैसले की किस तरह से आप स्वागत करना चाहेंगे? इन्होंने जितना रेट बढ़ाया था वो हिसाब से 20 रुपया बढ़ाते हैं और 5 रुपया कम करते हैं, तो पब्लिक को तो ये बोझ उठाना ही है जी। और ये यूक्रेन का और अभी जो रशिया का युद्ध हो रहा है जी, उसपे से तो पूरी दुनिया का असर, उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ रहा है जी। क्या कहना चाहेंगे जो केंद्र सरकार के इस फैसले के बारे में, जो आज यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है फ्यूल्स के रेट में, जो कमी आई है? अच्छा लग रहा है, अच्छा काम कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं रसिया यूक्रेन के युद्ध के बाद कहीं ना कहीं हर जगह पे देश दुनिया में इन चीजों के दर जो है बढ़ते जा रहे हैं और प्रदेश में और हमारे देश में जो है इन चीजों में कमी देखने को मिली है, तो केंद्र सरकार के इस फैसले की किस तरह से स्वागत करेंगे? पहली बार खुशी मिल रही है। तो देख सकते हैं प्रदेश के तमाम जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी स्थान से बिलोंग करते हो, लेकिन जब हमारे यहाँ पेट्रोल पंप पर जब, यानी अगर सिलवासा के भरत पेट्रोल पंप पे अगर आप आएंगे, भरत पेट्रोलियम पे, तो तमाम जो दर्शक और तमाम जो जनता है यहाँ पर आ रही है, कहीं ना कहीं उन सबके फेस पर एक खुशी का माहौल भी है, कुछ लोगों की
शिकायत भी रही कि किस तरह से भारत सरकार जो बढ़ा रही है फिर कुछ कम कर रही है, उसमें भी कुछ लोगों का कहना था, लेकिन कहीं ना कहीं ऑल आफ्टर ऑल अगर बात किया जाए सभी चीजों का तो सबसे बड़ी बात जो देखने को मिल रही है लोगों में कहीं ना कहीं इससे एक राहत की जो खबर जो लोगों के लिए कहा जा सकता है वो देखने को मिल रही है, और लोगों में कहीं ना कहीं खुशी का माहौल जो है उनके फेस पर खास तौर पर देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो किस तरह से रेट कार्ड यहाँ पर जो है डिस्प्ले किया गया है पेट्रोल पंप द्वारा, और ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर जनता को सुविधा को देखते हुए लगाई जा रही है, और इसीलिए देख सकते हैं आप लगातार पूरे दिन जो है उस इन जगहों पर पेट्रोल पंप पर अलग अलग पेट्रोल पंप पर जो है वो इन चीज़ों में देखने को मिल रहा है कि लोग जो है भारी संख्या में पेट्रोल और डीजल भराने के लिए अपने अपने घरों से यहाँ पर पेट्रोल पंप पर पहुँच रहे हैं। कैमरा पर्सन आशीष और इस्लाम के साथ हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज़ लाइन, सिलवासा।